आज हम सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सो एज आई टोल्ड यू, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये क्या करेंगे, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम जो करते हैं, ठीक है। वैसे इनका काम क्या होता है, ये वर्ड्स को वर्ड्स से, दूसरा फ्रेजेस को फ्रेजेस से, फ्रेजेस टू फ्रेजेस, और तीसरा क्लॉज को क्लॉज से कनेक्ट करेंगे, क्लॉजेस टू क्लॉजेस। लेकिन जो क्लॉजेस होंगे यहाँ पे, ये होंगे इनडिपेंडेंट। इनडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब क्या है, जो सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनको आप अलग से भी बोलोगे तो उनका अपना कंप्लीट सेंस आता है। इनडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक। अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ये आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं न्यूमोनिक डिवाइस। न्यूमोनिक डिवाइस मतलब एक एक कॉम्बिनेशन होता है लेटर्स का, कई बार वर्ड्स का, जिससे आपको जो है उस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा एक तरह से रटने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे एफ का मतलब है फॉर, नॉर ए का मतलब है एंड, एन का मतलब है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और वाई का मतलब है येट, एस एस स्टैंड्स फॉर सो सो। तो ये हमारे हैं, दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। फॉर एक प्रेपोजिशन में हम बाद में बात करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी करा हुआ है फॉर, है ना। तो ये आपको याद रखना है, फैन बॉयज ये क्या करेगा, इनका काम क्या होगा, ये जितने भी यहाँ पे कंजंक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मोस्टली ये क्या करेंगे, क्लॉज को क्लॉज से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। दे आर गोइंग टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो क्लॉजेस सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनको ही जो है ये क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें से आपका जो ये एंड हो गया, एंड बट हो गया, और आपका जो है और हो गया, और येट हो गया, ये जो चार हैं, ये आपका वर्ड्स से वर्ड्स भी कनेक्ट कर सकते हैं और फ्रेज से फ्रेज, बाकी सिर्फ क्लॉजेस को करेंगे। देखो ये चार एंड हो गया, बट हो गया, उतना रटने की जरूरत नहीं है, अभी आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। जो हमारा एंड है, सॉरी एंड हो गया, बट हो गया, येट हो गया, और हो गया, ये क्या करेंगे, वर्ड्स क्लॉजेस को तो सारे करेंगे कनेक्ट, क्लॉज क्लॉज टू क्लॉज कनेक्शन सबका ही होगा, ये कनेक्ट करेंगे, बट एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, और येट, ये चार हमारे जो है फ्रेजेस को भी कनेक्ट करते हैं और वर्ड्स टू वर्ड्स भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी तो और बाकी जो है सिर्फ ये फॉर हो गया, सो हो गया, और नॉर हो गया, ये जो तीन है ये सिर्फ क्लॉजेस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर हो गया, नॉर हो गया, और सो हो गया, ये हमारे कनेक्ट करेंगे क्लॉज टू क्लॉज। ठीक, अब कुछ राइटिंग से रिलेटेड बेसिक रूल समझेंगे, उसके बाद इनके एग्जाम्पल के साथ बारी बारी से इनको समझते हैं। इफ यू रिमेम्बर, जब मैंने आपको सिंस ये कराया था, सिंस फॉर एज एंड बिकॉज, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन कराया उनको याद, उनको तो खैर अभी बताया नहीं है, बट दी स्टूडेंट्स हु स्टार्टेड इट अर्लियर, सिंस फॉर, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये चारों के चारों रीजन दिखाते हैं,
सर, है ना, बिकॉज, क्योंकि ऐसा है ना, उस क्लॉज पिछले क्लॉज का रीजन दिखाते हैं कि ऐसा। तो अब क्या होगा कि आपको, मैंने इफ यू रिमेम्बर मैंने बोला था फॉर से, फॉर के बाद कॉमा लगेगा, डू यू रिमेम्बर दैट? यस सर, तो अब वही चीज हम सीखने वाले हैं, जो हमारे ये फैन वॉइस कंजंक्शंस हैं, जिनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग इसलिए बोल रहे हैं, ये दो इनडिपेंडेंट इनडिपेंडेंट जो सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसे क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे हम इनको लिखते हैं, यहाँ पे हमारा जो एक क्लॉज होता है क्लॉज वन, और ये क्लॉज टू है। व्हेन यू जॉइन दीज टू इनडिपेंडेंट क्लॉजेस बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो आपका यहाँ पे उस कंजंक्शन से पहले कॉमा लग जाता है, क्लॉज वन होगा, कॉमा यहाँ पे आ जाएगा आपका फैन बॉयज, यानी इनमें से कोई एक कंजंक्शन होगा, लेकिन कॉमा लगेगा, कॉमा लगेगा उसके बाद। ठीक है, बहुत जल्दी हम जो है पंक्चुएशन करेंगे, पंक्चुएशन पे एक या दो सेशंस करेंगे, वहां पे जो है आपको क्लियरली पता चलेगा कि कॉमा कहाँ पे लगाना है हमने, कहाँ पे नहीं लगाना है। बाकी के जो और पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको भी हम सीखेंगे। तो अभी कॉमा की हम बात कर रहे हैं, तो कॉमा लगेगा क्लॉज वन, उसके बाद जो है ये सब आएगा। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्लॉज, जब हम क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहे हैं, जब हम वर्ड्स और फ्रेजेस को कनेक्ट करेंगे, देन देन वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कॉमा। उस टाइम पे हमें कॉमा की जरूरत नहीं है, जब हम क्या करेंगे, वर्ड्स और फ्रेजेस को कनेक्ट करेंगे। कभी आपने ऐसे नहीं बोलेंगे हम राम एंड श्याम, यहाँ पे कॉमन ही होगा। मतलब जब लिस्ट हो हमारे पास, लिस्ट हो तब हम कॉमा कर सकते हैं, लिस्ट है किसी चीज की, जैसे चार आइटम्स है तो हम यहाँ पे तो कॉमा लगाते हैं, ए बी सी, एंड यहाँ पे भी लगा सकते हो आप दी, यूजुअली नहीं लगाते हैं लोग, पर यहाँ पे भी आप लगाओगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि वर्ड्स को जोड़ रहा है। तो सिर्फ लिस्ट के केस में हम कॉमा लगा सकते हैं ऐसे वर्ड्स के साथ, ये भी एक वर्ड है, एक वर्ड है, सी और डी दो वर्ड्स को एंड कर, मतलब किसी लिस्ट की बात हो रही है इस लिस्ट में, उसके अलावा आप कॉमा नहीं लगाओगे वर्ड्स को कनेक्ट करते हुए, फ्रेजेस को कनेक्ट करते हुए। लेकिन क्लॉजेस को जब हम कनेक्ट करेंगे, अगेन क्लॉजेस मतलब सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये एक बेसिक रूल है, जहां पे मैं आपको फॉर एंड नॉर बट और येट, ये नॉर तो ज्यादातर नीदर के साथ ही यूज होगा, पर इसका एक यूज हम बता दें, मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे हम जो है ऐसे यूज कर सकते हैं इसका, एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो बारी बारी से देखते हैं, सबसे पहले हमारा फैन वॉइस में एफ निकालते हैं। ठीक है, एफ का हम यूज क्या करते हैं, जो पहला क्लॉज है उसका रीजन दिखाने के लिए, क्लॉज वन का रीजन, यानी रीजन फॉर द फर्स्ट क्लॉज। पहला जो क्लॉज है उसके उसका रीजन देख, जैसे मुझे बोलना है इज़ इल, बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाया या स्कूल नहीं गया, तो अभी देखो वो स्कूल क्यों नहीं गया, हमारे पास दो क्लॉज है, एक है ही इज इल, दूसरा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ये स्कूल नहीं जाने का रीजन क्या है, बीमार होना, स्कूल नहीं जाने का रीजन है बीमार होना, राइट? तो पहले हम ये वाला क्लॉज देखेंगे, इसका रीजन, जिसका रीजन दिखाना है, इसका रीजन है ना बीमार, क्या बीमार होना, तो हम बोलेंगे इसको, इस क्लॉज को पहले बोलो, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, और कॉमा लगेगा पहले। ठीक है, कॉमा लगेगा उसके बाद फॉर हेजल। प्लीज कीप योर माइक्रोफोन ऑन ऑफ, जिसके बैकग्राउंड में नॉइज है। सो डिड यू सी हियर, आई हैव एडेड अ कॉमा हियर, ये फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, और ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि बीमार है, क्योंकि वो बीमार है, इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अगर ये ऐसा हो जाता, अगर वो बीमार है तो इफ इज इल, अब इफ इज इल कंडीशन है तो कंडीशनल में इसका रिजल्टिंग क्लॉज भी चाहिए। तो इफ हमारा एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना कि कोऑर्डिनेटिंग, ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं ये दोनों क्लॉजेस। ठीक है, तो फॉर को हम ऐसे यूज करते हैं, क्योंकि का सेंस आप लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दिखा रहे हैं अगर आपको किसी सेंटेंस में तो आप बोल सकते हो, जैसे बोलना है उसने मेरी मदद की क्योंकि वो मेरा दोस्त है, तो एक साथ बोलना है तो ही हेल्प मी, कॉमा लग गया और उसके बाद फॉर ही इज माय फ्रेंड। हाँ, फॉर ही इज माय फ्रेंड। When you are writing, it's very important to put a comma here. यहाँ पे comma आपने लगाने। ठीक है? और and का काम क्या होता है? ये तो हमने for को सीख लिया। Reason for the first clause. And हमेशा क्या करता है? Additional information देता है। To add information, some information. एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है एंड। ठीक है, और अगर बोलना है जो मैं भी एग्जाम्पल दिया था, ही इज ऑनेस्ट और वो बुद्धिमान है, ईमानदार भी है बुद्धिमान भी है, एंड ही इज वाइज। एंड लगा के हमने जो है दो कोऑर्डिनेटिंग जो क्लॉजेस, जो हमारे पास जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे, इनको हमने कनेक्ट कर दिया एंड से। और जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि चार कंजंक्शंस हमारे जो हैं वो वर्ड्स और फ्रेजेस को भी कनेक्ट करते हैं। कौन कौन से चार हैं वो? तो ये तो हमने अक्सर सुना ही है, राम एंड रवि, इट्स कनेक्टिंग टू वर्ड्स। ठीक है, फ्रेजेस को कैसे कनेक्ट करेगा? जैसे बोलना है मैं सुबह को और शाम को पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी सुबह को और शाम को, इन द मॉर्निंग एक फ्रेज है पूरा का पूरा, एंड इन द नाइट इन द इवनिंग, सुबह और शाम को मैं पढ़ाई करता हूँ। अब यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं किसको? फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग टू फ्रेजेस हियर। I study in the morning and in the evening. देखो अगर आप यहाँ पे अगर but लगाते हो, नहीं sorry और लगाते हो और, तो इसका मतलब क्या होगा? और का मतलब होता है या, और दिखाता है दूसरा option, दूसरा option क्या है उसको दिखाता है ना, और का मतलब होता है या अथवा। तो I study in the morning and in the evening, या बोल सकते हो I study in the morning or in the evening। यहाँ पे ये टू फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहे हैं, एंड हो गया और हो गया। सो वी ऑलरेडी नो अबाउट एंड, एंड के बारे में हमें पता ही है। अब हम तीसरा करते हैं, एफ ए एन, तीसरा हमारा नॉर। नॉर का मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है ऑल्सो नॉट या नॉट ऑल्सो। जब ये दूसरा जो ऑप्शन है उसको भी मना कर रहे हैं, तो जनरली आपका नॉर जो है इसकी जो पेयरिंग होती है नीदर के साथ होती है, नीदर या नाइदर के साथ, ना तो ये ना तो वो। तो जो कि हमारा कौन सा कंजंक्शन है? कोरिलेटिव, जो जहां पे दो कंजंक्शन साथ साथ काम करते हैं, कोरिलेटिव। यूजुअली ऐसे होगा, पर कभी कभार जो है एक सेंटेंस आपका नेगेटिव है दूसरे सेंटेंस को जोर देने के लिए। वैसे नॉट हो गया और नेवर हो गया और नो, अगर ये है आपके साथ तो इनको आपको और के साथ ही कनेक्ट करना है, नॉर करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर है वहां पे कहीं पे तो इनके साथ आप नॉर नहीं लगा के और का यूज करते हो, लेकिन स्पीकिंग में अगर आपको जोर दे के बोलना है, दूसरे ऑप्शन को नकार देना है जोर दे के, तब आप नॉर का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे
एक सेंटेंस है, वो चाय नहीं पीता है. ही डज नॉट टेक टी. एंड दूसरा हमारे पास सेंटेंस है या क्लॉज है, ही डज नॉट टेक कॉफी. नाउ वी हैव टू कनेक्ट दीज टू सेंटेंसेस. तो नॉर का मतलब जो होता है नॉट ऑल्सो, मतलब ये भी नहीं. तो इनको आप दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, इन दोनों को. एक सेंटेंस बनाने के लिए जहाँ पे कैपिटल लेटर से शुरू होगा सब्जेक्ट का ही और फुल स्टॉप पे खत्म हो जाएगा, है ना, वो हमारा होता है कंप्लीट सेंटेंस. एक अब इन दोनों को आप कनेक्ट करोगे तो आपके पास दो ऑप्शंस है. या तो आप नीदर नॉट से कर सकते हैं, ही नीदर टेक्स टी, और कोरिलेटिव कंजंक्शंस में आपको जो है कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है. ही नीदर टेक्स टी नॉर कॉफी. एक तो ये है इसका तरीका, ही नीदर टेक्स टी नॉर कॉफी. ठीक है, टेक्स टी आ गया, वर्ब आ गई इसके साथ नीदर के साथ, यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अभी हम कोरिलेटिव कंजंक्शन सीख रहे हैं, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ही डज नॉट टेक टी और ना ही वो कॉफी लेता है. वैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे और कॉफी, ऐसे भी आप लिख सकते हो. अब यहाँ पे क्योंकि एक तरह से हम वर्ड्स को ही कनेक्ट कर रहे हैं, छोटा सा है तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी इसको कर सकते हो. लेकिन नॉर के सेंस में कर रहे हैं, तो देखो नॉर के साथ इस सेंटेंस को करेंगे, चाहे इसको कहीं पर लिख लेना, तो इन्वर्जन के साथ आएगा. इन्वर्जन मतलब पहले आपका जो है हेल्पिंग, पहले वर्ब आएगी उसके बाद नॉर डज ही, नॉर डज ही डज नहीं बोला, नॉर डज ही टेक कॉफी. अब यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्लॉज है, इस क्लॉज को कनेक्ट कर दिया हमने इससे. ही डज नॉट टेक टी नॉर डज ही टेक कॉफी. तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो ही नीदर टेक्स टी नॉर कॉफी. He neither takes tea nor coffee, जो मैंने आपको correlative conjunction के अंदर बताया था, neither nor की pairing. Is it clear? Yes, sir. ये emphasize करने के लिए, जो दूसरा option है उसको पूरी तरह नकारने के लिए हम बोल सकते हैं he does not take tea nor does he take coffee. और हम यहाँ पे जो inversion use कर रहे हैं, did everyone get it? Inversion मतलब डज हमने पहले बोल दिया है और सब्जेक्ट को बाद में बोल दिया है. तो जब आपका सब्जेक्ट वर्ब ना होके वर्ब सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, जो कि हमने कंडीशनल के अंदर भी यूज करा था. आगे एडवर्ब्स के अंदर भी कुछ एडवर्ब्स हैं जिनमें पहले एडवर्ब आएगा, मतलब हमारा पहले वर्ब आएगी उसके बाद. हार्डली हैड ही, हार्डली ही हैड ना होके, मतलब ये भी ठीक है, ये भी होता है, hardly had he, वहां पे हम inversion का भी use करते हैं. So which we will learn in the next chapter. तो ये है हमारा, इसको ऐसे use कर सकते हैं. पर usually जो है आपको nor की pairing उसके साथ दिखेगी, neither के साथ. ठीक है, तो अब अगला है हमारा but. F-A-N-B. बट हमेशा दिखाता है, विरोध दिखाता है पहले क्लॉज का दूसरे क्लॉज के साथ. ये दिखाएगा विरोध, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट. ये विरोध शो करने के लिए, विरोधाभास शो करने के लिए बट का हम यूज करते हैं. वो एग्जाम्पल जो मैंने सबसे ऊपर लिखा था, हिज वाइज, ईमानदार है, सॉरी बुद्धिमान है पर ईमानदार नहीं है, ही इज डिसऑनेस्ट. ठीक है, जैसे ही इज अ फूल, एक मूर्ख है लेकिन मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड. तो इस तरह के जो पहला जो क्लॉज है उसका जो है उसका उल्टा हो रहा है दूसरे में, मतलब कहीं ना कहीं विरोध दिखा रहा है उसका. ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं बट का. तो कैसे इसको यूज करेंगे, ही इज वाइज, कॉमा लगा देंगे और बट का यूज करेंगे, बट ही इज डिसऑनेस्ट. या फिर ऐसा हो सकता है, ही इज पुअर
फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है बट ही इज ऑनेस्ट, बट ही इज हार्ड वर्किंग या ही इज ऑनेस्ट। Did you get it? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अभी से एक बट का एक दूसरा मतलब बताइए। तो अभी कंजंक्शन की तरह हमने यूज करें, अब इसका दूसरा मीनिंग भी हम देख लेते हैं। बट को एज प्रेपोजिशन जब हम यूज करते हैं, नॉट कंजंक्शन, याद रखना एज प्रेपोजिशन हम बोल रहे हैं। तो एज प्रेपोजिशन इसका मतलब हो जाता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? के सिवाय। मतलब क्या है इसका? उस इसको छोड़ के, बस जो बट के बाद जो भी आएगा उसको छोड़ के, जैसे मुझे बोलना है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना जिंदगी कुछ भी नहीं बस एक खेल है, खेल के सिवा कुछ भी नहीं है जिंदगी, लाइफ इस, वहां पे ये प्रेपरेशन की तरह यूज होगा तो हमें जो है कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। लाइफ इज नथिंग, कुछ नहीं है, किसको छोड़कर? Life is nothing but a game. ठीक है, यानी कि जो है गेम को छोड़ के कुछ भी नहीं है। आप कहने का मतलब यह है कि ये इसको छोड़ के और कुछ भी नहीं है। जैसे बोल दिया मुझे सब कुछ पसंद है चाय के अलावा, चाय के सिवाय। I like everything but tea. ये बट टी का मतलब क्या है? लेकिन चाय नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब इट्स अ प्रेपोजिशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? चाय के अलावा। हाँ, चाय के सिवाय या चाय के अलावा, यानी कि सब कुछ पसंद है। इस ऑप्शन को आप नकार दो। यू गेट इट? Yes, sir. I like everything, I love everything but tea. यहाँ पे एक preposition है जिसका मतलब है के सिवाय। But को जो एक adverb की तरह भी हम use करते हैं, that we will learn in the next chapter. अभी ये समझ आ गया? Yes, sir. जैसे मुझे बोलना है मैंने पार्टी में सबको बुलाया उसे छोड़कर। अब ध्यान दो यहाँ पे, I invited everyone to the party. उसे छोड़ के, अभी यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बट अगर मेल है तो हम बोलेंगे him, फीमेल है तो हम बोलेंगे her. यहाँ पे him और her का इसलिए यूज हो रहा है कि preposition के बाद objective form आती है हमेशा। Preposition के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, समझ में? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने प्रेपोजिशन में बताया था आपको, यहाँ पे बट एक प्रेपोजिशन है तो हमने यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म का यूज करा है। ही इन्वाइटेड एवरीवन मुझे छोड़कर, तो मैं बोलूंगा ही इन्वाइटेड एवरीवन बट मी, मुझे छोड़कर बट मी। जबकि यहाँ ऊपर देखो, हमने यहाँ बट के बाद क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्टिव फॉर्म लिखी हुई है, बिकॉज इट्स ए कंजंक्शन, और कंजंक्शन जो है एक जैसी चीजों को जोड़ेगा। जो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये आपके उन दो वर्ड्स को, उन दो फ्रेजेस को कनेक्ट करेंगे जिन जिनकी वैल्यू जो है अपने आप में सेम है, सेम वैल्यू की चीजों को, मतलब क्योंकि ये डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट होगा मतलब उसकी वैल्यू जो है उतनी ही है ना। यानी कि यहाँ पे कंजंक्शन, अगर दो सब्जेक्ट्स, अगर कंजंक्शन को हम, हमारे पास दो वर्ड्स हैं आई, अगर इसको किसी सब्जेक्ट से, किसी दूसरे वर्ड से जोड़ना है तो वो सब्जेक्ट ही होगा हमेशा। आई को आप ही से जोड़ सकते हो, हिम से नहीं, जब भी आप कंजंक्शन का यूज करोगे ना यहाँ पे, क्योंकि आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्टिव फॉर्म से ये जोड़ा जाएगा। जैसे बोलना है कि वो मुझसे बुद्धिमान है, He is wiser, मुझसे बुद्धिमान, wiser than। अब यहाँ पे एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन जो है ही को किससे जोड़ेगा? ही सब्जेक्टिव फॉर्म से ही जोड़ेगा, ये प्रॉपर होता है। कई लोग
कई लोग बोलते हैं इज बेटर देन मी, मी नहीं होता है क्योंकि ये कंजंक्शन है, इट्स अ कंजंक्शन। तो मैं यही बताना चाह रहा था, यहाँ पे हमने क्या करा है, जब प्रेपोजिशन है तो हम बट हिम कर रहे हैं, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो बट का एज प्रेपोजिशन मतलब होता है के सिवाय या के को छोड़कर, के सिवाय को छोड़कर। उन्होंने मुझे छोड़ के सबको बुलाया, दे इन्वाइटेड एवरी वन बट मी। बट मी का मतलब होगा मुझे छोड़कर। ठीक है, जैसे बोलना है वो कुछ नहीं है, बेईमान के अलावा कुछ भी नहीं है, इज नथिंग बट डिसऑनेस्ट, बट डिसऑनेस्ट। ठीक है, यस सर। चलो अगला कर देते हैं, वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। और शोज और दिखा दे अदर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है वो दिखाएगा, सबको पता है इसका मतलब होता है या। ठीक है, जैसे तुम या तो चाय पी सकते हो या फिर कॉफी, और मैंने बोला और क्या कर सकता है, वर्ड्स को कनेक्ट कर सकता है, यू कैन टेक टी और कॉफी। और जब वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं वी डोंट नीड अ कॉमा, टी और कॉफी, सिर्फ वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है ना अभी कंजंक्शन, सेम वैल्यू की चीजों को, टी और कॉफी इंडिपेंडेंट चीजें हैं, तो हमने यहाँ पे जो है और यूज कर लिया। और की पेयरिंग होती है इधर के साथ, तो ऐसे हो सकता है यू कैन ईदर टेक टी और कॉफी। Did everyone get it? Yes, sir. और आपका दिखाएगा दूसरा ऑप्शन जो होता है, जैसे एग्जाम में भी जो कई बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होता है ना कोई, उसके नीचे और लिखा होता है ना, या तो ये वाला करो ए और बी, या तो आप ये वाला करो, जो भी आपको चॉइस करे, दोनों में से एक चूज करना है। और यही एंड हो जाना, तो एंड कर देता, ऐड कर देता चीजों को, ए ए ए एंड बी का मतलब है ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर दो। Is it clear? Yes, sir. और यहाँ पे हमने कॉमा इसलिए लगाया है because it is connecting two words. हाँ, अगर बोलना है कि वो स्कूल जा रहा है या बाजार जा रहा है, तो ऐसे हम बोलेंगे he is going to school, अगर पूरा बोलना है इसको, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के सेंस में बोलना है, तो आप बोल सकते हो और he is going to market. किसी ने आपको पूछा डू यू नो वेयर ही इज गोइंग, क्या आपको पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो आप बोलोगे ही इज गोइंग टू स्कूल और ही इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू स्कूल और इज गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे हमने और से पहले कॉमा लगा दिया बिकॉज क्लॉज को क्लॉज से हम कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वर्ड टू वर्ड करोगे कनेक्ट, देखो आप ऐसे बोल सकते हो इसको ही इज गोइंग टू स्कूल फिर बिना कॉमा के और मार्केट, इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो अगला हमारा आते हैं, अगला हमारा है why. Why से होता है yet. अब yet जो है ना, yet जो है हमारा सिर्फ एक preposition ही, एक conjunction ही नहीं है, it is also an adverb. तो पहले conjunction के तौर पे इसका क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं. As conjunction इसका मतलब आप जो है ना कई बार इसका mainly but की तरह आप यूज कर सकते हो इसको, तो ये भी एक तरह से कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा. कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, विरोध, विरोध या विरोधाभास दो आइटम्स के बीच, ठीक है, या कई बार इसको जो है हम ऐसे यूज करते हैं, इफ यू रिमेम्बर मैंने एक वर्ड बताया था नॉनदलेस, यस सर, ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं नॉनदलेस या नेवरदलेस. तो इस नॉनदलेस नेवरदलेस इनको हम आगे भी करेंगे एडवर्ब्स के अंदर, मैं इनको कवर कर दूंगा, ठीक है, मीनिंग मतलब येट के पर मतलब जो येट को बोलते हो, येट का मतलब होता है बट बोल सकते हो आप, लेकिन बोल सकते हो आप, या फिर उसके बावजूद भी है ना, इसका मतलब एज कंजंक्शन क्या होगा, अभी मैं यहाँ पे कंजंक्शन करा रहा हूँ, ठीक है, अभी इसका एडवर्बियल यूज भी है, एज कंजंक्शन, जैसे बोला वो बीमार है
तो भी उसके बावजूद भी वो स्कूल जा रहे थे, जैसे मैंने बोला हिज इल, यहाँ पे आप बट बोल सकते हो, बट ही इज गोइंग टू स्कूल, येट ही इज गोइंग टू स्कूल, यानी कि येट का मतलब हो गया आप बोल सकते हो फिर भी या लेकिन, फिर भी या लेकिन, येट ही इज गोइंग टू स्कूल. Just give me one minute, let me message them कि 6:10 पे मैं क्लास शुरू करूंगा. इसको एंड कर ही देते हैं ना. Give me one minute. Okay, तो हमारा जो है yet को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, कॉमा लगा दिया यहाँ पे क्योंकि ये coordinating conjunction है, ठीक है. तो इसको हम, इसका मतलब होगा but के सेंस में विरोधाभास दिखाएगा, बीमार है फिर भी जो है स्कूल जा रहा है. वो मेरा दोस्त है फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की. He's my friend. Yet he did not help me. Right. Yet he did not help me. ठीक है, ये तो इसका यूज था एज ए कंजंक्शन. एज एन एडवर्ब कैसे यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा. As an adverb का मतलब होता है अभी तक, अभी तक के सेंस में होता है. तो हम बोल सकते हैं so far, या फिर by now, या फिर कई बार ना as yet लिखा होगा, as yet. इन सब का मतलब वही है कि अभी तक. और mainly आपका ये यूज होता है negative, मतलब पॉजिटिव में भी यूज होता है एंड interrogative में. पॉजिटिव सेंटेंस में येट दिखाता है कंटिन्यूएशन, दिखाता है लगातार कोई चीज हो रही है. बताता हूँ कैसे. पॉजिटिव सेंटेंस में ये दिखाएगा इस, ये जो है ना कंटिन्यूएशन पे जोर देता है, किसी काम का लगातार होना. और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये दिखाएगा अभी तक का मतलब, अभी तक उस वो जो एक्शन है ना वो आगे जाके हम सोच रहे हैं खत्म होगा. तो अभी देखो कैसे, जैसे मैंने बोला है कि वो अभी तक नहीं आया है. He has not come. अभी तक yet. He has not come yet. यहां पे वो he के बारे में नहीं बता रहे yet. किसके बारे में बता रहे हैं? क्रिया के बारे में, है ना. अभी तक नहीं आया, He has not come yet. जिसकी जगह हम बोल सकते हैं so far, by now, as yet. He has not come yet. ठीक है, He has not come yet. या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, क्या वो आ चुका है? Has he come yet? या क्या वो नहीं आ चुका है? Has he not come yet? Did you get it? Yes, sir. जैसे बोलना वो अभी नहीं जा रहे हैं. They are not जा रहे हैं, कि आप वहां से निकल रहे हैं तो leaving का use करो. They are not leaving yet. वो अभी तो नहीं जा रहे हैं, पर हम work future में हम expect कर रहे हैं वो जल्दी जाएंगे. They are not leaving yet. या are they leaving yet? तो yet का मतलब अभी तक. अभी ना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा. मैं आपको एडवर्ब के अंदर ये बताऊंगा, कुछ कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो वर्ब के पास रखे जाते हैं, कुछ को हम लास्ट में लिखते हैं, कुछ को आगे पीछे कर सकते हैं. वो हम मैं एडवर्ब के अंदर क्लियर करूंगा. पर ये जो है आगे नहीं आएगा. येट दे आर नॉट लिविंग, दे आर नॉट लिविंग येट. डिड यू गेट इट? यस सर. और आखिरी हमारा है सो. सो दिखाता है रीजन, पहले क्लॉज का रीजन ही दिखाएगा ये. सॉरी रीजन नहीं, ये दिखाएगा रिजल्ट. रीजन दिखाने के लिए तो फॉर का यूज हो गया. वो बीमार है इसलिए स्कूल नहीं जा रहा है. सो का मतलब क्या था? इसलिए, देयरफॉर के सेंस में.
पर देयरफॉर जो है कंजंक्शन नहीं है, देयरफॉर कंजंक्टिव एडवर्ब है, इसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा कल बताया था। और एडवर्ब्स के आगे कंजंक्शन करने के बाद इसी को हम करेंगे, कंजंक्टिव एडवर्ब्स, जो कि कहीं ना कहीं एडवर्ब का भी हिस्सा है। कंजंक्टिव एडवर्ब्स ये होते हैं देयरफॉर। तो ही इज इल, बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं जा रहा है, सो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अगेन देखो कॉमा लगा के हमने वो कर दिया, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी। इसमें येट को जो है मैं एडवर्ब के अंदर और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि येट और स्टिल दो अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, इसका मतलब भी वही होता है, तो भी फिर भी। येट का मतलब भी वही है कई बार, तो भी फिर भी, लेकिन स्टिल के तीन चार मतलब और हैं। शांत भी होता है, शांत करना भी होता है, वर्ब भी है, ये नाउन भी है, तो वो सब इन दोनों के बीच हम डिफरेंस भी करेंगे एडवर्ब्स के अंदर। तो आज अभी हमने क्या सीखा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। ठीक है, दूसरा इंडिपेंडेंट, या उसके बाद हम सेंटेंस के अंदर इसको हम लेंगे मेन क्लॉज। तो एक मेन क्लॉज को दूसरे मेन क्लॉज से, या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि हमारे हैं फैन बॉयज। Fan boys. और जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो कॉमा लगा के करेंगे, क्लॉज टू क्लॉज। ठीक है, इसके अलावा ये क्या, इनका काम क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के अलावा दो सेम तरह की चीजों को जिनकी वैल्यू उतनी है, तो वो सेम तरह के वर्ड्स हो सकते हैं या फ्रेजेस हो सकते हैं, उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और जब वर्ड्स और फ्रेजेस को कनेक्ट करेंगे तब हमें वी नीड नॉट अप्लाई एनी काइंड ऑफ कॉमा ऐड करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, और वर्ड्स और फ्रेजेस को हमारा फॉर हो गया, नॉर हो गया और सो, इन ये तीन कनेक्ट नहीं करेंगे इनको, बाकी जो है बाकी के जो चार हैं वो वर्ड्स और फ्रेजेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट तो करेगा, बट सिर्फ तभी करेगा जब प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन के तौर पर तो ये भी नहीं कर सकता। ठीक, सो आई होप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो है आपको जो है बेसिक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम करते हैं कल, एंड मीनवाइल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज मैसेज मी। ओके।